जी सर। और सर कहाँ है, घर पे सर? हाँ, घर पर आ गए भैया, घर पर आ गए वहां से। हाँ जी। सर आपकी अनुमति हो तो सर आरंभ करते हैं सर। हाँ बिल्कुल, आपकी सुविधा के लिए मैं प्रतीक्षारत हूँ, आपकी सुविधा से बिल्कुल प्रतीक्षा में हूँ जी मैं। जी 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 तो सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां दोबारा हमारे समक्ष विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग सर जुड़ चुके हैं। तो मैं अपने विश्वविद्यालय, अपने हिंदी विभाग परिवार की ओर से सर का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि वर्तमान में सर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसे आजकल आप लोग प्रयागराज के नाम से भी जान रहे हैं, वहाँ पे बतौर हिंदी विभाग में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत है। तो मैं अपने तहे दिल से सर का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है सर को सुनने में। तो मैं सर से आग्रह करता हूँ कि आज के विषय पे, जो आपके भारतीय काव्य शास्त्र के संदर्भ में उसी से जुड़े हाँ हुए बिल्कुल, विषय है, काव्य गुण के संदर्भ पे सर चर्चा करेंगे। तो मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि अपने व्याख्यान को आरंभ करें और हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शुरू कर सकते हैं सर। एक मिनट। जी जी बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य अभिषेक जी, अपने अनुजवत प्रिय और सहृदय श्रीमान अभिषेक जी, उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन शिक्षण और विद्यार्थियों का काम देखने वाले ऐसे श्री अभिषेक जी, और इस काम में आपका सहयोग करने वाली, जिनकी तकनीकी सहयोग से आप मेरे सामने हैं और मैं आपके सामने हूँ, ऐसी श्री स्वागतिका बेहरा जी और उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के प्रिय छात्र और दूसरे इस MBA MA के जो अपने विद्यार्थी हैं जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज का विषय है भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में हम लोग काव्य गुणों पर बात करेंगे। आमतौर पर ऐसा प्रचलन में रहा है कि हम काव्य शास्त्र से हमारे विद्यार्थी, चाहे वो BA की कक्षा हो चाहे MA की कक्षा, थोड़ा भागने की प्रवृत्ति रही है, जबकि ऐसा है नहीं। यह शास्त्र है, जैसे शास्त्र जीवन का निर्माण करता है, ऐसे ही काव्य शास्त्र कवि मन का निर्माण करता है, कवि की आत्मा का निर्माण करता है, कवि की प्रतिभा का निर्माण करता है, उसकी व्युत्पत्ति करता है, उसके अभ्यास को साधता है, और यही शास्त्र वह बात है जो कवि को प्रजापति बना देता है। अग्नि पुराण में हमारे जो हमारा जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराणकार में कवि की विशेषता बताते हुए जो कहा है लोगों ने, उसके निर्माण का श्रेय इसी काव्य शास्त्र को, अपारे काव्य संसारे कविर एकः प्रजापति, इस अपार संसार का प्रजापति है, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, ये अग्नि पुराण का मत है। ऐसा बनाने का काम यही शास्त्र करता है। आज मैं अपने विद्यार्थियों से काव्य गुण पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। आप जानते हैं कि कविता में गुणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि कविता के सौंदर्य की वृद्धि करने का काम गुण करते, गुण की नहीं कहते, जिनसे आप विशिष्ट हो जाएं, जिनसे मनुष्य और सुंदर हो जाए, ऐसा कविता को सुंदर बनाने का काम। और आप जान लें कि जिस कविता में गुण नहीं होगा, जो कविता गुणहीन होगी, वह कविता हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारे यहां क्या मानते हैं, गुण को कविता का अनिवार्य धर्म कहा है। कहा है कि गुण कविता में अनिवार्यतः रहेगा, और क्या करेगा, ये कविता में चमत्कार पैदा करेगा, कविता में प्रवाह पैदा करेगा, ओज पैदा करेगा, कविता को श्रेष्ठ बनाएगा। ऐसी सभी बनाने वाली चीजें हम शास्त्र में इन सब को गुण कहते हैं। कविता को जो उपादेय बना दे, कविता को जो रोचक बना दे, कविता को जो प्रेरणामय बना दे, ऐसी सभी कविता को विशिष्ट बना दे, कविता को शोभायमान बना दे, कविता को दोष मुक्त बना दे, ऐसी सब चीजें गुण हैं। बल्कि कुछ आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि साहब, कविता में दोष का अभाव ही गुण है, क्योंकि आप में दोष नहीं रहेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से सद्गुणी बन जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं, हम शास्त्र में कैसे हम बड़े हुए हैं, हम क्या सुनकर, नेति नेति सुनकर बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही कविता में ये दोष नहीं, ये दोष नहीं, तो कविता
गुण मानी जाएगी। अब मैं अपने यहां के कुछ शास्त्रकारों का संदर्भ लेकर बात करता हूं। सबसे पहले आचार्य हैं गुणों की चर्चा करने वाले आचार्य, आचार्य ही नहीं ऋषि, ऋषि ही नहीं तपस्वी और मनस्वी, ऐसे आचार्य भरत, आचार्य भरत मुनि। उन्होंने गुणों पर सबसे पहले विचार करना अपने नाट्य शास्त्र में शुरू किया। फिर बहुत अंतर हो गया भरत के नाट्य शास्त्र के बाद। हम गुणों की चर्चा जैनियों के यहां देखते हैं, जैन कविता में। मैं नाम ले रहा हूं, महान जैन कविता है राजप्रश्नीय सूत्र। यह कविता में, इस राजप्रश्नीय सूत्र जो जैनागम है, जैनों का आगम, जैनों का शास्त्र, जैसे हमारा शास्त्र वेद, ऐसे जैनों का वेद है, जैनों का शास्त्र है राजप्रश्नीय सूत्र। यहां 45 गुणों की चर्चा से संस्कृत से इतर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में गुणों की चर्चा मिलती। एक और सूत्र है, उसे कहते हैं अनुयोग द्वार। मैं नाम बता रहा हूं। हम जब कंपटीशन में परीक्षा लेते हैं अपने विद्यार्थियों की, तो हम ये पूछते हैं, हम कहते हैं अनुयोग द्वार क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 8 गुणों की पहली बार चर्चा जैनियों ने, जैन कवियों ने, जैन मुनियों ने की। 8 गुण, निर्दोष, सारस्वत, हेतुमत, अलंकृत, उपनीत, सोपचार, मित्त और मधुर, 8 गुणों की चर्चा। ये तो पृष्ठभूमि है, हमें इन्हें नहीं जानना, थोड़ा बस संकेत करना है। हमें जानना क्या है? भारतीय कविता को जानना, हमें जानना है संस्कृत के आचार्यों का कथन जानना है, और ऐसे जानने वालों में कौटिल्य का नाम लेना पड़ेगा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 6 विशेषताएं कहा कि कविता कौन कविता बन पाएगी, महान कविता कौन बन पाएगी जिसमें 6 गुण होंगे। अर्थशास्त्र का कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है लेखक की क्रमबद्धता अगर होगी, संबद्धता होगी, परिपूर्णता होगी, माधुर्य होगा कविता में, औदार्य होगा और स्पष्टता होगी, तो ही कविता कविता बनेगी, नहीं बन नहीं पाएगी। ऐसे कौटिल्य की ही तरह हमारी आदि कविता हमारी क्या है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि ने वाणी के उदार और मधुर गुणों की चर्चा की है, और भगवान राम की वाणी में, कविता की वाणी में इन्हें अनुस्यूत दिखाया। मैं एक और महाग्रंथ का नाम लूं, ऐसा महाग्रंथ है महाभारत। महाभारत में परुष, परुष आप जानते हैं, परुष माने कठोर, मधुर, विचित्र और मदपूर्ण। मदपूर्ण माने अहंकार से भरा हुआ, मैं जो कहूंगा वही कविता का गुण, वही कविता, वही श्रेष्ठ कविता। जो प्रवृत्ति थी कौरवों की, ऐसे कौरवों की प्रवृत्ति को कविता में प्रकट करने वाला मदपूर्ण विशेषण, ऐसे 4 विशेषणों की चर्चा की। स्वयं कालिदास ने भी श्लेष, प्रसाद, मधुर और ओज, ऐसे 4 गुणों को महत्वपूर्ण माना। मैं इन इनके विस्तार में जाना अपना लक्ष्य नहीं, क्योंकि हम तो हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी का शास्त्र जहां से बना है, हिंदी कविता जहां से बल पाती है, हिंदी कविता जिस भूमि से उर्वरा शक्ति पाती है, हिंदी का बीज जहां अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है, ऐसी भूमि की चर्चा हमें करना अभीप्सित है। और ऐसी भूमि कौन सी है? संस्कृत कविता की भूमि है। आप यहाँ उड़ीसा के विद्यार्थी सुन रहे हैं, मैं वहां का भी एक संदर्भ बता दूं। आपके आसपास 2री शताब्दी की बात है ये, वहां रुद्रदामन का शिलालेख मिला। रुद्रदामन ने अपने शिलालेख में जानते हैं क्या लिखा है? शिलालेख की एक पंक्ति मैं उद्धृत करता हूं, क्योंकि हमारे लिए कविता का मर्म प्रकट करने वाली ये पंक्ति है। क्या कहता है रुद्रदामन अपने शिलालेख में? स्फुट मधु, स्फुट लघु मधुर चित्रांत शब्द समयो दारा अलंकृत गद्य पद्यश। ये रुद्रदारा, ये रुद्रवामन का शिलालेख है। हम इस पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी चर्चा, चूंकि पृष्ठभूमि से ही तो शास्त्र बनता है, अब हम भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों का नाम लेते हुए इन गुणों को पहचानेंगे। प्रारंभ में जब संस्कृत कविता अस्तित्व में थी, तो गुणों की संख्या हमारे यहां बहुत प्रभुत थी। जैसे आज हम ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि 3 महत्वपूर्ण गुणों को मानते हैं, ऐसे संस्कृत कविता 24 और 36 गुणों को, क्योंकि दृष्टि बड़ी व्यापक है ना,
ऐसे गुण मानते हैं और गुणों का एक मंत्र है और वो मंत्र भरत मुनि से चला रहा। भरत मुनि ने क्या कहा, एत एव विपर्यस्तता गुणः काव्येषु कीर्तितः। देखिए कितनी मधुर बात, एत एव विपर्यस्तता गुणः काव्येषु कीर्तितः। गुण विपर्य दोषा नाम, गुण का विपर्य, गुण का अभाव अगर हो जाए तो ये दोष है और दोष का अभाव हो जाए तो कविता गुणवान हो जाती है, ऐसा चर्चा भरत मुनि ने की। अब भरत मुनि हमारे आदि पुरुष हैं शास्त्र के, भरत मुनि के ही ग्रंथ का आधार लेकर अग्नि पुराणकार ने कहा है। और क्या कहा, अब देखिए कैसा हमारे यहाँ का चिंतन कैसे बढ़ता है, हम अचानक नहीं बढ़ रहे। भरत मुनि ने कहा कि दोष नहीं है तो कविता महान। अब अग्नि पुराणकार आता है, भरत का संदर्भ देता है और कहता है कि अभिधेय वस्तु के सौंदर्य को अगर बढ़ा दिया किसी लेखक ने तो उस लेखक की वाणी गुणवान, वो लेखक गुणवान माना जाएगा। देखिए कैसे अब धीरे धीरे हम क्रमानुक्रमक तरीके से आगे बढ़ते हैं। अग्नि पुराणकार पहली सीढ़ी है और हम लगभग 15 सीढ़ियों की यात्रा इन एक घंटे में करने वाले। अब पहली सीढ़ी पर आप चढ़कर देखिए, अग्नि पुराणकार का कथन, पहला कथन, पहली सीढ़ी क्या कहता है, उच्चमानस्य शब्देन यस्य यस्यापि वस्तुनः उत्कर्ष भाव वहन्नर्थो गुण इत्यमभीयते। ये अग्नि पुराणकार का कथन, मतलब अभिधेय वस्तु का सौंदर्य बढ़ाना गुण है, चाहे जैसे बढ़ाओ, प्रेम से, दया से, ममता से, करुणा से, उदारता से, भक्ति से, परिश्रम से, श्रम से, बल से, ओज से, वीर्य से, भक्ति से, चाहे जैसे बढ़ाओ, लेकिन कविता कैसी होनी चाहिए, उत्कर्ष भाव वहन्नर्थो गुण इत्यमधीयते। भावों का उत्कर्ष लाना पड़ेगा तभी तुम कवि माने जाओगे, नहीं तो क्या माने जाओगे, सामाजिक, नहीं तो क्या माने जाओगे, समाज में रहने वाले चतुर व्यक्ति, और कवि कब माने जाओगे, उत्कर्ष भाव वहन अर्थ हो, भावों का उत्कर्ष, अर्थ का उत्कर्ष अगर तुम्हारी कविता में आएगा तो तुम ठीक माने जाओगे, नहीं तो नहीं। मतलब बहुत साफ। अब देखिये ये पहली सीढ़ी, हमारे शास्त्र की पहली सीढ़ी, काव्य गुण की पहली सीढ़ी, पहली घोषणा क्या, शोभा को जन्म दे जो वो गुण है, यही अर्थ हुआ ना। अग्नि पुराण तो यही कह रहा है, यह काव्य महतीम छाया मनु ग्रहणात्यसौ गुणः। गुण को, गुण क्या है, शोभा की जनयित्री है। अब ये पहली सीढ़ी, अब देखिए हमारे यहाँ शास्त्र में काव्य गुण सोपान क्रमिक हैं, क्रमशः सीढ़ी पर आगे बढ़ते गए हैं और जब अट्टालिका पर पहुंचते हैं तो कितना मधुर रूपांतरण होता है। मैं इस रूपांतरण तक की यात्रा आज आपको अपने विद्यार्थियों को कराऊंगा। आचार्य वामन का नाम आपने सुना होगा, उनका जो आचार्य वामन संस्कृत के आदि आचार्य हैं, वामन का नाम आपने जरूर सुना होगा। वामन ने जो कहा वो दूसरी सीढ़ी। अब अग्नि पुराणकार से ऊपर क्या कहता है वामन, क्या कहता है, काव्य शोभायाह कर्तारौ धर्माह गुणाह। देखिए निर्णय आ गया, कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण। वामन जब ये कह रहा है, उसी समय एक और संप्रदाय चल रहा था, वो क्या कह रहा था, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचच्छते। अब लीजिए, अब दूसरी सीढ़ी में तो दो लोग खड़े हो गए, एक कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाना गुण है और दूसरा कह रहा है नहीं, यही अलंकार है। अब संघर्ष की स्थिति आ गई। बाद में इस संघर्ष का हल है, हम उस संघर्ष में नहीं जाते, जब हम तीसरी सीढ़ी में पहुंचते हैं तो इस संघर्ष का उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन काव्य की शोभा चाहे अलंकार बढ़ाएं, चाहे गुण बनाएं, ऐसे अलंकारों को भी गुण कहेंगे, वामन का कथन है। वामन जब समझ जाता है कि ये विमर्श आगे बढ़ेगा तो क्या कहता है, काव्य शोभायाह कर्तारौ धर्मा गुणा तदतिशय वस्तुस्तलंकार। अब लीजिए, कहता है ये जो अलंकार है ना, ये भी गुणी है साहब, अलंकार भी गुण की भांति ही है, इन्हें गुण माना चाहिए। और ये क्या है, शब्दार्थ का नित्य धर्म है। अलंकार कैसे,
गुण कैसे शब्दार्थ का नित्य धर्म, नित्य धर्म किसे कहते हैं आप बताइए। हमारा नित्य धर्म क्या है? हमारा नित्य धर्म है सांस लेना, हमारा नित्य धर्म है भोजन करना, हमारा नित्य धर्म है अपनी भावनाओं को प्रकट करना, हमारा नित्य धर्म है अपनी संवेदना को प्रकट करना। तुम किसी मनुष्य को मारोगे तो उसे पीड़ा होगी, ये पीड़ा नित्य धर्म है, मन में बसी है। ऐसे मन में अनेक प्रकार के भाव हमारे बसे हैं, कहता है। तो ये बहुत विद्वान आचार्य है वामन, कहता है ये नित्यता गुण है, और इस नित्यता को हम पारिभाषिक बना देते हैं। हम शास्त्रकार होने के नाते, शास्त्र के आचार्य होने के नाते, मैं इन इस नित्यता को मैं पारिभाषिक बना दे रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। और वामन ने यह काम किया, क्या कहा? कहा कि शब्द और अर्थ दोनों गुण से युक्त होते हैं, और ये नाम समान है, इनके लक्षण समान है, लेकिन शब्द के पक्ष में अलग और अर्थ के पक्ष में ये अलग होते हैं। कौन है ये? शौर्य वीर पराक्रम आदि आत्मा के नित्य धर्म। अब ये दूसरी सीढ़ी है, संवाद यहां बंद हो जाता है। लेकिन तीसरी सीढ़ी पर खड़ा आचार्य मम्मट अब निर्णयात्मक संदेश सुनाने को तैयार है। उसने तय कर लिया है कि अब गुण को, गुण के तार तार को स्पष्ट करना है, और काव्य प्रकाश के आठवें अध्याय के पहले मंत्र में उसकी घोषणा सुनिए। आप घोषणा सुनिए मम्मट की, तब आपको पता चलेगा कि मम्मट जैसा आचार्य क्या सोचकर निर्णय की तरफ पहुंचा है। क्या कहता है मम्मट का? मैं काव्य प्रकाश का आठवां अध्याय का पहला मंत्र पढ़ रहा हूं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि भारत में शास्त्र के विकास की ये गति है। कहता है मम्मट, ये रसस्यांगिनो धर्म सौर्यादयैवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युः अचलस्थियो गुणा। देखिए क्या कहा? कहा अचल है, अविरल है, अलंकार गुण से भिन्न है, गुण स्थिर धर्म है, और अलंकार क्या है? अस्थिर। बात नहीं समझ में आएगी तो उदाहरण दिया मम्मट ने। क्या कहा? कि जैसे कटक कुंडल, कानों में कुंडल हम धारण करते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं। स्त्री कुंडल धारण करेगी तो वो सुंदर दिखेगी। बाद में अलंकार शास्त्रियों की आप परिभाषा देखिए, काव्य शोभा करान अलंकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये जो जैसे स्त्री को नवांगना मिवासुचा, जो नवांगना है उसके सौंदर्य को जैसे आभूषण बढ़ाते हैं, ऐसे कविता के सौंदर्य को अलंकार बढ़ाता है। कौन बता रहा है? ये मम्मट शुरू करता है ये चर्चा। क्या कहता है मम्मट? कहता है कि कटक कुंडल जैसे कान अंगादि की शोभा बढ़ाते हैं, अपने शोभा दायकत्व से ये काव्य का उपकार करते हैं। ऐसे ये तो गुण है, ये गुण और अलंकार में अंतर है। अलंकार क्या करते हैं? ये केवल शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। मम्मट का कथन देखिए, आत्मा का उपकार जब करें नित्य गुण, आत्मा का उपकार करें तो गुण, और केवल शरीर का उपकार करें, केवल शरीर को सौंदर्यवान बना दें तो अलंकार। अब लीजिए, अब अलंकार और गुणों का अंतर स्थिर हो रहा है। और निर्णय क्या निकला? तीसरी सीढ़ी का निर्णय सुनिए आप, मम्मट का निर्णय सुनिए। मम्मट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कहा भ्रम में नहीं पड़ना, अलंकार भैया अलग है और गुण अलग है। देखिए मम्मट की घोषणा, तीसरी घोषणा भारतीय काव्य शास्त्र की, मम्मट के काव्य प्रकाश के आठवें अध्याय का दूसरा मंत्र, अगले ही मंत्र में कह रहा है कि ज्यादा देर भ्रम नहीं पालना। काव्य प्रकाशकार मम्मट कहता है, क्या कहता है? उपकुर्वन्ति तं संतं मंगद्वारेण जातुचित अहारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमा दया। का भैया, अनुप्रास इत्यादि जो अलंकार है ना, ये वाह्य शोभा बढ़ाने वाले हैं। तब आत्मा की शोभा बढ़ाने का काम जो करें, शरीर की शोभा नहीं। ऐसे आत्म जैसे दया, प्रेम, ममता, करुणा, उदारता, सदवृत्तियां, भला आदमी होना, ये हमारे शरीर का आभूषण है। दया किसी के शरीर में चिपटी है, प्रेम ममता किसी के शरीर में चिपटी है। कहां का गुण है ये? आत्मा का गुण है ना, मन का गुण है ना। किसी उदार आदमी के सामने हम क्यों नतमस्तक हो जाते हैं? किसी विद्वान आदमी को हम क्यों दंडवत करते हैं? उसकी आत्मा के गुण के कारण, कि उसके रूप के कारण।
अगर रूप के कारण होता तो सुंदर आदमियों के सामने दंडवत लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती, होती कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि आत्मा की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। भामह के ही इस विवरण को अगली चौथी सीढ़ी में एक भट्टोद भट्ट नाम का विद्वान हुआ, उसने कहा कि यद्यपि गुण अलंकार लगभग एक जैसे हैं, उसने एक बीच का निर्णय दिया, लेकिन हम गुणों की चर्चा जब करते हैं तो गुणों का आत्मा के साथ समवाय संबंध है। समवाय संबंध, संस्कृत काव्य शास्त्र में समवाय संबंध प्रकरण। और ऐसे ही अलंकारों का कविता के साथ कैसा संबंध है? संयोग संबंध है। और ये कहां लिखा वामन ने? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में वामन ने ये बात कही थी, यही बात भट्टोद भट्ट। अब हम इन पुराने काव्य शास्त्रियों से बाहर निकलते हैं तेजी से, क्योंकि हमें तो सीढ़ी समझनी है ना, आखिर काव्य गुणों का निर्णय कैसे अंत तक पहुंचा, यह देखने का काम है हमारा। अब मैं एक नाम ले रहा हूं जो महत्वपूर्ण सीढ़ी है इस संदर्भ में, वो है महान आचार्य आनंद वर्धन, ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने कहा कि गुणों का जो अस्तित्व है ये रस धर्म के रूप में है, रसत्व प्राप्ति में सहायता करते हैं गुण। रस माने कविता जैसे हमारे मन में जब उतरती है तो किसी अर्थ को लेकर उतरती है, ऐसा रसत्व को प्राप्त कराने का काम आनंद वर्धन कहता है कि ये कविता करती। अब देखिए, अब वो नई दिशा में ले जा रहा है बहस, वो गुणों को रस से जोड़कर देखने का काम कर रहा है। देखिए गुण कितने मूल है, यानी रस वाले भी गुण की चर्चा, अलंकार वाले भी गुण की चर्चा, अब अपने को अलग कर रहे हैं गुण से, यानी गुण मूल है और रस अलंकार उत्तरवर्ती। आप आनंद वर्धन का कथन सुन लीजिए, आनंद वर्धन की घोषणा सब आचार्य पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं। आनंद वर्धन जानते हैं क्या कहता है? कहता है तमर्थम अवलंबते ये गिनम ते गुणा स्मृता अंगाश्रय स्वलंकारा मंतव्य कटका दिवत। आनंद वर्धन की घोषणा, रस धर्म है गुण और गुण और अलंकार परस्पर भिन्न है, ये घोषणा। अब एक और पांचवी सीढ़ी का नाम, मैं कुछ शुरू की सीढ़ियां थोड़ा तेज चढ़ते हैं हम लोग ताकि पहली मंजिल तक पहुंच जाएं, नहीं ऐसा ना हो कि एक घंटे में हम लोग सीढ़ियां ही चढ़ते रहे। पांचवी सीढ़ी की चर्चा करता हूं और ये है आचार्य भोज। कौन ऐसा विद्वान है, कौन ऐसा हिंदी का पाठक है, कौन ऐसा संस्कृत का पाठक है जिसने आचार्य भोज का नाम नहीं सुना? भोज ने की घोषणा इन सब विवादों का अंत करने वाली घोषणा है। क्या कह दिया भोज ने? अगर कविता में गुण नहीं तो कविता कविता नहीं। कविता की आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता गुण। मैं भोज का कथन पढ़ रहा हूं ताकि हम कथन हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उस सूत्र की तरफ ध्यान ले जाएं जो इन्होंने मंत्र के रूप में लिखे हैं। क्या कहा भोज ने? अलंकृतमयी श्रव्यम न काव्यम गुण विवर्जितम, अलंकृतमयी श्रव्यम न काव्यम गुण विवर्जितम, गुण योग तयो मुख्यो गुणालंकार योगयते। अब लीजिए, अब हम निष्कर्ष दे रहे हैं, इन आचार्यों का नाम मैंने लिया, अब इनके निष्कर्ष सुन लीजिए। भरत मुनि, दंडी और वाग्भट, तीन नाम मैंने अभी लिए हैं, इन लोगों ने निष्कर्ष रूप में कहा कासाव 10 गुणों के बिना कविता कविता नहीं होती। कितने गुण? 10। हम कितने जानते हैं? 3। कौन से? ओज प्रसाद माधुर्य। और भरत मुनि और दंडी और वाग्भट क्या कह रहे हैं कि 10 गुण। वामन आगे बढ़ जाता है, कहता है नहीं गुण कम है, 20 गुण होते हैं। तो भोज कहता है कि 24 गुण होते हैं, और अगर इन 24 गुणों को वाह और अभ्यंतर विशेष की दृष्टि से बांट दें तो वाह आभ्यंतर और वैशेषिक भेद से बांट दें तो गुणों की संख्या 72 हो जाएगी। मैंने एक नाम और लिया था अग्नि पुराणकार का, उसने 18 गुण बताए हैं। अब ये तो संस्कृत के आचार्य, संस्कृत से धीरे धीरे पाली प्राकृत की तरफ बढ़ते हुए गुणों की संख्या घटती है। ऐसे घटाने वाले पहले आचार्य कौन है? जयदेव, अद्भुत भक्त, भगवान का गान करने वाला, भगवान की भक्ति में रमा हुआ महान कवि जयदेव कहता है। और कैसा जयदेव?
जिसके बारे में लोक में प्रसिद्ध थी, लोक में, समाज में, संसार में जयदेव को लोग कैसे जानते थे ये बताना जरूरी। जयदेव को जानते थे कि यदि भगवान के भजन में मन लगता है तुम्हारा, भगवान की कथा में मन लगता है, तो इस मन की सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक तुम गुण युक्त जयदेव की वाणी नहीं सुन लोगे। ये प्रचलित है पूरे भारतवर्ष। क्या है? यदि हरिस्मरणं सरसं मनो यदि विलास कथा सुकुतूहलं मधुर कोमल कांत पदावली श्रुणु तदा जयदेव सरस्वती। जयदेव की हिंदी के आचार्यों ने इस विमर्श से क्या सीखा, हिंदी कविता में गुणों की क्या स्थिति है, थोड़ी सी चर्चा आपके साथ ऐसी करेंगे। आचार्य भरत ने 10 गुण बताए, ये मैंने आपको बताया। हम एग्जाम में पूछते हैं, जब आप टीजीटी पीजीटी या कक्षाओं की तरफ या प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं, तो हम पूछते हैं कि भरत ने कितने गुण बताए हैं। 10 गुण, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति, 10 गुण। क्यों? क्योंकि ये शुरू है, ये शुरुआत है। 10 गुणों की चर्चा से हम शुरू करते हैं और हिंदी के कवियों का हाल आप देखिएगा, वो कहां पहुंचते हैं। भरत मुनि की घोषणा, यहां से सबने तत्व लिया है, प्रेरणा ले ली। कौन सी प्रेरणा ली है? श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुर्योजः पद सौकुमार्यम् अर्थस्य व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च गुणः काव्यस्य दशैते। ये 10 गुणों से चर्चा शुरू करना है। 10 गुणों से आगे बढ़ते हुए अग्नि पुराण करने कार ने कहा कि 3 गुण हटाओ, इनका कोई मोल नहीं है, गुण है 7। बाद में लोगों ने कहा 6 ही गुण है कुल। अग्नि पुराणकार ने निष्कर्ष दिया कि कुल प्रमुख रूप से 6 गुण है। अब ये आधार है। हम जब देव की बात करेंगे, मतिराम की बात करेंगे, भिखारी की बात करेंगे, ठाकुर की बात करेंगे, जब हम ये रीति के कवियों की, आधुनिक आचार्यों की बात करेंगे, तो अग्नि पुराणकार का बार बार संदर्भ देंगे। अग्नि पुराणकार ने 6 गुणों की जो बात की ना, आज भी वो गुण हिंदी कविता का प्राण तत्व बने। कौन से 6 गुण है? मैं नाम पढ़ देता हूं, नाम मैं अग्नि पुराण की भाषा में ही पढ़ देता हूं नाम। श्लेषो लालित्य गांभीर्यो सौकुमार्य मुदारता सत्येव योग की चेती गुण सप्तस्य सप्तदा। ये 7 गुण। और करते क्या है ये? माधुर्यम संविधानम च कोमलत्व मुदारता प्रौढ़ी सामयिकत्व च तदभेदा षटचकस्ति। और इनमें श्रेष्ठ कौन है? तस्यः प्रसादः सौभाग्यम यथा संख्य प्रशस्यता पाको राग इति प्राज्ञै षट प्रपंचा प्रपंचितः। अब ये हमारा आधार। जैसे आटा सन जाता है तो हम आटे से रोटी बनाते हैं। अब रोटी आटा नहीं है लेकिन बना आटे से। ऐसे आटा गेहूं से बना है लेकिन गेहूं आटा नहीं है। सना हुआ आटा का गुणधर्म और गेहूं के गुणधर्म में अंतर है, क्योंकि सने हुए आटे को आप उबाल कर नहीं खा सकते, पर गेहूं को आप उबाल कर खाएंगे तो भिन्न स्वाद पाएंगे। आटे को उबाल कर खाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, पर आटे से पकी हुई रोटी आप खाएंगे तो अलग स्वाद पाएंगे। ऐसा ही ये जो आटा है ना, ऐसे ही अग्नि पुराणकार का ये जो गुण है ना 6, कुल मिलाकर 19 गुण इन्होंने कहे हैं, मूल है 6। ये 19 गुण आटा है, गेहूं है, इनसे इनसे
शास्त्र की मीनार खड़ी होती है, काव्य गुणों की मीनार खड़ी होती है। उन मीनारों की चर्चा में जो पड़ाव हैं, थोड़ी सी उनकी बात, मैं 10 पड़ाव हैं, किसी ने 6 कहा, 3 कहा, हम हिंदी काव्य शास्त्र में जिन गुणों को स्वीकार करते हैं, ऐसे 3 प्रधान गुण हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, और 7 अप्रधान गुण हैं जिनको मैं आपके ध्यान में लाना मुझे लक्ष्य है। क्योंकि हम जब हिंदी कविता की व्याख्या करते हैं तो हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि साहब आप विशेष में लिखिए कि इसमें कौन सा गुण है, आप विशेष में ये जरूर बताइए कि इस कविता को पढ़कर आपका मन किस गुण को अनुभव करता है, ये कविता किस गुण की लगती है, ऐसा जरूर बताइए। हम विद्यार्थी से आग्रह करते हैं, इसलिए चूंकि आप विद्यार्थी हैं, आपसे याद कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सब जगह आप व्याख्या लिखेंगे, इसलिए काव्य गुण को समझे रहना जरूरी है। हम 10 गुणों को हिंदी कविता का मूल मानते हैं, 16 नहीं, 13 नहीं, बात ये जो 19 नहीं, या जो पीछे के आचार्यों ने जो गुण बताए, हम काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ने जो 10 गुण बताए हैं उन गुणों को हिंदी कविता का आधार मानते हैं। हम कहते हैं कि इन 10 पिलर पर हिंदी कविता खड़ी होती है, और रीति के आचार्य कोई एक पिलर पर बैठा है, कोई दूसरे पिलर पर, कोई तीसरे पिलर पर, भक्ति कविता और रीति कविता इन अलग अलग पिलर्स पर, इन अलग अलग खंभों पर बैठी है, और हिंदी कविता का भव्य भवन इन 10 पिलरों से, इन 10 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। इन स्तंभों में से किसी स्तंभ को हिलाओगे, हिंदी कविता का भवन डगमगाएगा, ऐसा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कहती, क्या कहती है। अब देखिए ये 10 गुण आप याद कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूं, कौन से 10 गुण हैं? ओजह प्रसाद श्लेष, ओजह प्रसाद श्लेष, समता समाधि माधुरी। और अगले कौन से हैं? सौ कुमारियो दारतार्था अभिव्यक्ति कांतयो गुणा। ये 10 गुण कौन से हैं? ये 10 गुण यद्यपि भोजराज नहीं मानता इस बात को, सरस्वती कंठाभरण का नाम आपने सुना होगा, भोजराज का ग्रंथ है, सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने बड़ा विस्तार से लिखा है, उसने कहा कि ये 10 गुणों को बताकर कविता को सीमित करना है, नहीं 14 गुण और हैं, 24 गुण होते हैं, लेकिन हमने हिंदी कविता में भोजराज को नहीं माना, हमने हिंदी कविता में काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को मान लिया है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के 10 गुणों को मान लिया है और इन गुणों पर चर्चा की है। अब इन गुणों को बार बार कवि कहता है। अब जितने आचार्य आएंगे हिंदी कविता के, जितने अभी भक्ति काल के कुछ कवियों के, मैं आपको पुस्तकों के नाम और उनकी गुण चर्चा पर आपको ले आऊंगा, आप सब लोग यही बात अब कह रहे हैं। अब ये विवाद खत्म है, बल्कि एक नया विवाद शुरू है कि ये 10 को और कम कैसे करें। ऐसा विवाद सरस्वती कंठाभरण के 24 गुणों को कुछ आचार्य लेकर चलते रहे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह छोड़ दिया, सरस्वती कंठाभरण के भी कुछ लक्षणों को लोग लेकर चले, 24 गुणों को लेकर चले। मैं नाम उल्लेख के लिए बता दूं, यद्यपि आपको स्मरण तो नहीं होगा इतना जल्दी, लेकिन जैसे हम लोग हैं अध्यापक लोग कैसे स्मरण करते हैं, अलग अलग नहीं स्मरण करते, श्लोक याद कर लिया, श्लोक याद कर लिया तो वो गुण हमें आ गए। क्या है श्लोक? श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्तिस्तथा कांति रुदारत्वमुदात्तता ओजस्तथान्या ऊर्जस्वित प्रेयानथ सुशब्दता तदवत समाधिः सौक्ष्मम्यं चगाम्भीर्यमथ विस्तारः संक्षेपः सम्मितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा रीतिरुक्तस्तथा प्रौढ़ी। और ये जो 24 हैं, हम इन्हें हम इस तरह याद रखते हैं, ये मैं विद्यार्थियों के लिए बता भी रहा हूं कि हम कैसे याद रखते हैं, ऐसा मंत्र के सहारे, क्योंकि अलग अलग याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन अब आगे की चर्चा सुनिए, जहां रीति कविता का आचार्य आकर खड़ा होता है, रीति कविता है सर, कहता है, रीति कविता कहती है कि सरस्वती कंठाभरण को नहीं मानेंगे, अग्नि पुराण को नहीं मानेंगे, पीछे के ग्रंथों को नहीं मानेंगे, भोज के 24 गुणों को नहीं मानेंगे, भरत मुनि दंडी और वाग्भट के 10 गुणों को नहीं मानेंगे, वामन के 20 गुणों को नहीं मानेंगे, अग्नि पुराण कार के 18 गुणों को नहीं मानेंगे, जयदेव के 8 गुणों को नहीं मानेंगे, देव के 12 गुणों को भी नहीं मानेंगे, तो मानेंगे क्या? मम्मट को मानेंगे। मम्मट ने एक वाद चला दिया, कौन सा वाद है? गुणत्रय वाद। गुण कितने? 3, ओज प्रसाद और माधुर्य।
भामह ने भी इन्हीं गुणत्रय को माना। मम्मट और भावर के ये जो तीन गुण हैं, ये हिंदी कविता लेकर आगे चल पड़े। लेकिन अभी भी सात और गुण सुप्त रूप में विराजमान हैं। कुछ कवि उन गुणों पर भी कविता, उन गुणों को भी कविता की उपलब्धि मान रहे हैं। ऐसे 10 गुणों को लेकर हिंदी कविता चलती है, लेकिन मम्मट के कथन को मंत्र मान लेते हैं लोग। माधुर्योज प्रसादाख्यस प्रसादाख्यस शास्त्र यस्ते न पुनर्दशः, 10 वस नहीं है केवल 3 है, ऐसा विश्वनाथ और जगन्नाथ तीनों मानते। कौन से हैं ये? माधुर्य, ओज और प्रसाद। हम इनकी चर्चा के बहाने आपको रीति कविता के कुछ संदर्भ इन्हीं की चर्चा के बहाने आपको बता दूंगा मैं। कौन से माधुर्य क्या है, थोड़ा मैं विद्यार्थियों को ये तीन गुण जानने चाहिए। माधुर्य गुण कौन है? जिस कविता से, जिस कविता को पढ़कर हृदय आनंद से बहने लगे, द्रवीभूत हो जाए, जैसे जल की धारा बहती है ऐसे हृदय से रस धारा बह पड़े, ऐसा गुण जिस कविता में हो वो कविता माधुर्य गुण की कविता होगी। अब इस गुण को होने के लिए क्या जरूरी है? लंबे लंबे समास होंगे तो माधुर्य गुण नहीं होगा। टा वर्ग और ता वर्ग होगा, टाठा डाढ़ा आड़ा और ताथा दाधा ना। अगर ये वर्णों का प्रयोग होगा तो भी कविता माधुर्य गुण से युक्त नहीं होगी। तो फिर किन का प्रयोग होना चाहिए माधुर्य में? का से लेकर मा तक के वर्ण होंगे तो कविता मधुर बन जाएगी। मूर्धन्य और अंत वर्ण होंगे तो कविता मधुर बन जाएगी। ऐसा यानी माधुर्य क्या है? जैसे भगवान के प्रति रीति माधुर्य है, कृष्ण का पुष्टि मार्ग माधुर्य है, ये श्रृंगार करुण और शांत भाव में निखरने वाला जो गुण है वो माधुर्य है। और माधुर्य की विशेषता क्या है? मम्मट ने बताया, मम्मट ने चूंकि तीन गुण बताए, उसने कहा माधुर्य की विशेषता क्या है? आह्लाद, मन प्रफुल्लित तो हो गया तो समझना कि माधुर्य है। और अगर मन करुणा से युक्त हो गया, मन घृणा से भर गया, मन ईर्ष्या से भर गया, मन में वितृष्णा आ गई, मन कभी उब गया, मन का संसार से अलगाव होने लगे तो नहीं। मम्मट कहता है आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंभे तच्छान्ते चाति सयान्वितम। इतनी शानदार बात मम्मट कहता है। हम लोग इस शास्त्र चर्चा पर नहीं जाते, मैं चिंतामणि की बात आपसे करता हूं। भिखारी का नाम आपने सुना होगा, चिंतामणि ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा। सबसे बढ़िया बात चिंतामणि और भिखारी दास ने कही है इस माधुर्य के बारे में। क्या कहा है देखिए, परिभाषा देखिए आप चिंतामणि की, क्या है माधुर्य? जो संयोग सिंगार में, भिखारी का सुनिए, चिंतामणि का सुनिए, जो संयोग सिंगार में सुखद दबावे चित्त सो माधुर्य बखानिए, और यही तत्व कवित्त। कविता क्या है? संयोग में श्रृंगार में जो चित्त को दबा दे रस से, जैसे रसगुल्ला को आप जानते हैं, रसगुल्ला क्या है? हमने खोआ पकाया और रसगुल्ला बनाया, आप उसे खा सकते हैं, खा के देखिए उल्टी आ जाएगी। लेकिन जब उसे रस में हम दबा देते हैं, जलेबी हमने तेल में तल कर निकाली, आप उसे खा के दिखाइए, लेकिन वही जलेबी जब रस में डूब जाती है तब उस जलेबी का स्वाद, आ उस रसगुल्ले का स्वाद कितना सुंदर, माने तब उस लड्डू का स्वाद जिसमें मिठास और रस है। आपने मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा। मैथिली शरण गुप्त ने जब साकेत लिखा तो साकेत की एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना लिखी। अभी अब तक इस तरह की प्रार्थनाओं का रिवाज नहीं रहा, इसी भाव की प्रार्थना साकेत का मैथिली शरण कहता है कि देखो ये जो भगवान गणेश की प्रार्थना लिख रहे हैं, देखो अम्ब हे रंब ये मानस के तीर पर तुंदिल शरीर एक उधमो मचाते हैं, गोद भरे मोदक धरे हैं सब नोद उन्हें, सूण से उठा के मुझे देने को दिखाते। प्रार्थना देखिए, कहते भगवान गणेश है लड्डू अपने कब्जे में रखे हैं, सूण से उठा के मुझे देने को दिखाते हैं, पर देते नहीं कंदुक सा ऊपर उछालते हैं, ऊपर ही झेल कर खेल कर खाते हैं। प्रार्थना देखिए मैथिली शरण, कह रहे हैं लड्डू गणेश जी रखे हैं और सब गण लोग घेरे हैं उन्हें, कह रहे हैं हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। गणेश जी ने कहा ले भाई, और वो एक लड्डू थाली से उठा के आकाश में उछाल देते हैं, कहते हैं ले भाई कैच कर
करो। कौन कैच करेगा? लंबी सूंड वाला गणेश कैच करेगा। गणेश अपनी सूंड से उसे ऊपर ऊपर ही झेल कर खेल कर काते हैं। इस कविता को पढ़कर जो माधुर्य मन में आता है, जो आनंद और आह्लाद मन में आता है, इसी आनंद और आह्लाद की बात मम्मट कर रहा है, इसी आनंद और आह्लाद की बात दंडी कर रहा है। माधुरम रस रसवदवाची वस्तु न्यपि रसस्थिता एन माध्यते धीमंतो मधिन्नेव मधुव्रता। दंडी का कथन। दंडी क्या कहता है आप देखिए, यही बात दंडी कह रहा है। जो बात मैथिली शरण ने अपनी साकेत रचना के प्रार्थना में लिखा है, यही बात दंडी कहता है। देखिए कैसी समानता है। क्या कहता है दंडी? जैसे मधु भ्रमर से आनंदित होता है, मधु भ्रमर जैसे भ्रमर मधु से आनंदित होता है, ऐसा मधु के आनंद की तरह है। अब मधु क्या है? संचय है ना। मधु क्या है आप बताइए? मधु कोई एक चीज है क्या? नहीं, नाना पराग से संचित होकर नन्हे पर वाली मधुमक्खी दूर दूर तक जाती है। चुन चुन कर वह सुंदर सुंदर फूलों का रस लाती है, दिन भर कठिन परिश्रम करती रस से शहद बनाती है। यह है योजना मधु। इस मधु की तरह सुख देने का काम माधुर्य गुण करता। इसलिए माधुर्य गुण साधारण गुण नहीं है। मैथिली शरण गुप्त के साकेत की एक और पंक्ति, माधुर्य की एक पंक्ति सुनाता हूं। उर्मिला घर में है, लक्ष्मण चले गए हैं भगवान राम के साथ। अब क्या करे बेचारी उर्मिला, कह भी नहीं पाती, छोटी है, देवरानी है, जेठानी तो स्वयं जंगल में कष्ट भोग रही है, तो कैसे कहे। लेकिन देखिए माधुर्य, देखिए आप, मैथिली शरण गुप्त के साकेत की पंक्ति पढ़ रहा हूं, आप माधुर्य भाव जरा देखिएगा। यही आता है इस मन में, आपके कोर्स में है ये, पूरे लगभग भारतवर्ष के कोर्स में है ये उर्मिला वियोग। क्या है? यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। किस वन में? जहां लक्ष्मण रह रहा है, जहां भगवान राम रह रहे हैं, जहां माता सीता रह रही है। प्रिय, और अब देखिए भाव देखिएगा, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मंत्र घोषणा। अब ये बदल रहा है हिंदी, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही, समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रुदन में, यही आता है इस। यह माधुर्य कविता को पढ़ा हमने, हृदय करुणा के द्रव से भर गया। राधा दुखी है, आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम सुना है, राधा बेचारी दुखी है, लेकिन अपना दुख माधुर्य भाव देखिए, अपना दुख उसे याद नहीं आता, बल्कि वो संदेश जिस पवन दूत से भेजती है उसे क्या कहती है? कहती है जा मार्ग में यदि कोई कृषक ललना खेत में यदि दिखावे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटा, उसकी भी पीड़ा दूर कर देना तुम, केवल मेरी पीड़ा की चित। ये भाव, ये है माधुर्य भाव। उदात्तता, पूरा अखिल विश्व हमारा, हम विश्व के, हम जैसे भगवान की घोषणा है, हम संतन के संत हमारे, ऐसी घोषणा ये है। ऐसे ही एक दूसरा गुण है जिसे रीति कविता के आचार्य मानते हैं, वो क्या है? ओज गुण। ओज तो आप सब जानते हैं, मैं भिखारी दास की परिभाषा ओज की पढ़ता हूं तो आप ओज को तुरंत समझ जाएंगे। ओज क्या है? चित्त के विस्तार के हेतु भूत दीप्ति ही ओज है, वीर विभत्स और रौद्र रस ही ओज है, समास युक्त पदों का जहां प्रयोग हो वह वहां ओज गुण है, जहां गाढ़त्व हो, गाढ़त्व, गाढ़त्व जान रहे, गाढ़त्व कहते हैं अक्षर विन्यास को, जैसे हर्ष के पद, जैसे जो समास बहुला पदावली, ऐसा संश्लिष्टत्व, ऐसा ओज गुण। दीप्त, ओज गुण का मूल क्या है? दीप, आत्मा, आत्मा प्रदीप्त हो जाए तब ओज गुण समझना। और इस ओज गुणों को हमारे यहां जो भिखारी ने वैदर्भी और गौड़ी गद्य और पद्य में ओज गुण माना है, भिखारी क्या कहता है आप सुन लीजिए। भिखारी माने भिखारी नहीं है, भिखारी दास है ना, भिखारी नहीं, महान आचार्य भिखारी दास क्या कहता है? उद्धत अक्षर जहां पर, उद्धत अक्षर जहां पर, सकट वर्ग मिल जाए,
ताही वो जो गुण कहत है जो प्रवीण कविराय। ये लीजिए क्या है, तेज प्रताप प्रदीप प्रताप सहृदय में उत्साह स्फूर्ति आवेश सामासिकता संश्लिष्टत्व तवर्ग की प्रधानता मूर्धन्य की प्रधानता तालव्य की प्रधानता ये है वो। आपने श्याम नारायण पांडे का नाम सुना हो, उन्होंने ओज की बड़ी कविताएं रची। मैं ओज को विस्तार करने की जरूरत नहीं, हमारे विद्यार्थी ओज को उदाहरण से जान जाएंगे। श्याम नारायण पांडे ने लिखा कि जब हनुमान जी गए लंका में, कविता है, मैं भाव बता दूं तो आप कविता पढ़ने में अर्थ समझ जाएंगे। जब हनुमान जी गए तो लोगों ने उनकी पूछ पे आग लगा दी, कहा भैया आप बच के दिखाओ। हनुमान जी क्या जलने लगे क्या? नहीं। अब श्याम नारायण लिखता है, देखिए आप सुनिएगा, ओज के सारे गुण इस कविता में मिलेंगे। जल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, राति पर असह अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। यह श्याम नारायण पांडे का उद्दीप्त भाव, ओज भाव। हम इसका विस्तार भी नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं। ऐसे एक तीसरा जो गुण है जिसे मम्मट ने भी कहा, भामह ने भी कहा, सबने स्वीकार किया, ऐसा तीसरा गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या होता है? सूखे ईंधन में अग्नि के समान, गीले वस्त्र में जल के समान, कोई गुण अगर व्याप्त हो जाए तो उसे प्रसाद गुण समझना। देखे कितनी सूक्ष्म परिभाषा, जैसे कपड़ा आपने धोया पानी, अब उस कपड़े में जैसे जल घुस जाता है, अलग कर सकते हो जल को क्या? सुखाना पड़ेगा। ऐसे लकड़ी में अग्नि है, जब लकड़ी तुम जलाते हो तो लकड़ी के भीतर की वो अग्नि जल उठती है, ऐसे प्रसाद गुण की स्थिति रहती। मम्मट, मैं ये जो विशेषता बता रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, ये महान शास्त्रकार आचार्य मम्मट कहता है। क्या कहता है? सुस्केन धना अग्निवत, शुष्क ईंधन में सुस्केंधना अग्निवत, स्वच्छ जलवत सहसैव वा, व्याप्नोत्यंत प्रसादौसौ सर्वत्र विहित स्थितः। ये है प्रसाद गुण। अब चिंतामणि, अब देखिए हमारे यहाँ हिंदी के आचार्य कैसे हैं, कुछ सोचा ही नहीं। जैसे हमारे काव्य निर्णयकार, काव्य निर्णय किसने लिखा है? चिंतामणि। चिंतामणि ने क्या लिख दिया? यही मम्मट की भाषा को देखिए कैसे लिख दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रीति कविता में कुछ नया नहीं हुआ, केवल शास्त्र को उतार दिया है। क्या लिखता है आप सुनिए, काव्य निर्णय की पंक्ति पढ़ता हूं तो बिल्कुल समझ में आएगी। सूखे ईंधन आग ज्यों, सूखे ईंधन आग ज्यों, स्वच्छ नीर की रीति और झलक अक्षर अर्थ जो, सो प्रसाद गुण नीति। ये काव्य निर्णय का, काव्य निर्णय की पंक्तियों को हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते। काव्य निर्णय की पंक्तियों को पढ़ने का भी एक शैली है, ऐसे नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं? मैं वैसे कहिए तो पढ़ दूं आपको। सूखे ईंधन आग ज्यों, स्वच्छ नीर की रीति, झलकया अक्षर अर्थ जो, सो प्रसाद गुण नीति। ये काव्य निर्णय, भिखारी दास बार बार यही कहता है। मैं साकेत, मुझे ग्रंथ प्रिय है, भगवान राम की कथा है चूंकि साकेत में, मुझे प्रिय है, मैं वहां से आपको प्रसाद गुण का उदाहरण सुनाता हूं। कैकेयी पहुंची है, कैकेयी पहुंची है भगवान को मनाने, और वहां भरत के साथ सब लोग चित्रकूट पहुंचे हैं, चित्रकूट में सभा लगी है, सब लोग मनाते हैं भगवान राम को कि भैया लौट चलो, काहे को यहाँ जंगल में बने, गलती हो गई माफ करो। तो कुछ लोग फिर कैकेयी वहां अपना अनुताप प्रकट करती है, कोर्स में होगा आपके कैकेयी अनुताप शीर्षक से, कैकेयी अनुताप प्रकट करती है। क्या अनुताप प्रकट करती है सुन लीजिए, प्रसाद गुण ये है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं भी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं दात तुम्हारी मैया।
दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। हम शपथ कब लेते हैं? जब हम कमजोर महसूस करते हैं, कहते हैं भगवान की सौगंध, माता की सौगंध, पिता की सौगंध, कहते हैं कि नहीं, कह रही है कौकई, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं, अब देखिए शपथ लेकर कह रही, माता को ऐसा कहते सुनकर किसका हृदय नहीं पिघल जाएगा? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मुझे भरत ने उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूं, यह है प्रसाद गुण। सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, कोई शंका संदेह नहीं है, ऐसा प्रसाद गुण। ऐसे ही अब ये तो तीन प्रमुख गुण है हमारे, इसलिए मैंने उदाहरण देकर इन अपनी बात यहां की, लेकिन जो सात और गुण रीति आचार्य जिनको स्थापित करते हैं, जिनमें भिखारी और देव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोग श्लेष को गुण मानते हैं। श्लेष, भिखारी और देव दोनों कहते हैं कि श्लेष भी गुण है। क्या है श्लेष? शब्द निष्ठ मसृणता, मसृणत्वम श्लेष, वामन का सूत्र है ये, मसृणत्वम श्लेष, मसृणता को, अर्थात श्लेष कहा जहां बहुत से पद एक जैसे लगे। श्लेष गुण और श्लेष अलंकार अलग है, ध्यान दीजिएगा, श्लेष गुण ही श्लेष अलंकार नहीं है, इससे भ्रम नहीं होना चाहिए। जहां पे मसृणता हो, मसृणता जानते हैं, मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, वो वाली मसृणता, जहां मसृणता होगी श्लेष होगा वहां, ये गुण अलग है। एक उदाहरण से अगर बताऊं तो आप समझ जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी की एक कविता है तुम और मैं, मसृणता वहां उस कविता की विशेषता है, श्लेष उस कविता की विशेषता है, श्लेष अलंकार नहीं। कविता मैं पढ़ता हूं तो शायद आपको समझ में ज्यादा आएगा। कहते हैं तुम और मैं में सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं कि तुम तुंग हिमालय श्रृंग, तुम क्या हो, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छवास और मैं कांति कामनी कविता, तुम प्रेम और मैं शांति, तुम सुरापान घन अंधकार, मैं हूं मत वाली भ्रांति। ये जो यहां है ये है श्लेष, ये श्लेष गुण है। हम लोग इन गुणों पर बहुत विस्तार अब नहीं कर रहे, एक एक उदाहरणों से अपनी बात पूरी करेंगे क्योंकि अपना समय भी हो रहा है। ऐसा एक गुण है समता, जो रीति कविता में अस्तित्व में बना रहा। समता कहाँ है? समता किसे कहते हैं? बहुत सरल बात है, देखिए आपको तुरंत समझ में आएगा। समता माने कविता को जिस शैली में शुरू किया उसी शैली में अंत किया, पूरे काव्य में अगर एक जैसी शैली रहेगी तो कविता कैसी होगी? समता वाली, गुण वाली कविता। और इसका उदाहरण है अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, पहला श्रेष्ठ महाकाव्य प्रिय प्रवास इस समता गुण से युक्त है। उदाहरण सुन लीजिए, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित प्यार से, यूं मानो मिला मित्र मुझे पुराना। शुरू में यहां और अंत में भी यही राग, यही छंद, यही लय, यही गति, यही भाव, यही शैली। तो कविता की विशेषता क्या हो गई? समता। ऐसे ही विशेषता है सुकुमारता। अब सुकुमारता आप जानते हैं, आपने सबने पढ़ा है हिंदी साहित्य का सुकुमार कवि कौन? सुमित्रानंदन पंत। सुकुमारता क्या है? जहां कठोरता ना हो वहां सुकुमारता होगी। आजक संस्कृत में जो आचार्यों ने, वामन ने कहा है अजरठत्वम सौकुमार्यम, सौकुमारी का है कोमलता, सौकुमारी का है कोमल वर्णों की प्रधानता, सौकुमारी क्या है माधुर्य भाव को ध्वनि तत्वों में लपेट देना, सौकुमारी क्या है सुमित्रा नंदन की सभी कविताएं सुकुमारता की कविताएं हैं। आपने ग्रंथ कविता ग्रंथी, सुमित्रानंद पंत की महान कविता है ग्रंथी, उसका एक उदाहरण, सब पूरी उनकी सब रचनाएं ही सुकुमार। ग्रंथी में कहता है, अब देखिए सुकुमार भाव, ये सुकुमार भाव बिल्कुल जहां पे कोमलता हो, वर्ण विन्यास में कोमलता, कल्पना में कोमलता, भाव में कोमलता, अक्षर विन्यास में कोमलता, चिंतना में कोमलता, शब्द में कोमलता, अर्थ में कोमलता, रचना में कोमलता और
मनोभाव में कोमलता, मनोविज्ञान में कोमलता, कोमलता जिसका मूल गुण। एक उदाहरण से कहूं, पंत लिखता है ग्रंथि कविता में, वह मधुर मधुमास था जब गंध से, वह मधुर मधुमास था जब गंध से, मुग्ध होकर झूमते थे मधुप दल। अब देखिए इनकी सब कविताएं ही कोमल है। रसिक पिक के सरस तरुण रसाल थे, अवन के सुख बढ़ रहे थे दिवस से, जान कर ऋतुराज का आगमन, अखिल कोमल कल्पनाएं अवन की, खिल उठी थी मृदुल सुमनों में कहीं। अब देखिये ये क्या है, सुकुमारता है, सुकुमारता भाव। कहते हैं बसंत ने सौरभ ने पराग ने, एक किसी कवि, कवि का नाम मुझे याद नहीं है, देखिए भाव देखिए, बसंत ने सौरभ ने पराग ने, प्रदान की थी अति कांत भाव से, क्या प्रदान की थी, मनोज्ञता मादकता मदांधता, यह है कोमलत्व, यह है सुकुमारत्व। ऐसे ही एक गुण है अर्थ व्यक्ति, सातवां गुण कौन सा है, अर्थ व्यक्ति। अर्थ व्यक्ति माने कविता से अर्थ पूरा निकल रहा है, ये नहीं कि आप कभी अगर कोई विषय छूकर भाग जाए, पहली लाइन में दूसरा विषय, दूसरी लाइन में दूसरा विषय, एक कविता में दूसरा विषय, दूसरा कविता में दूसरा विषय, पहले अध्याय में दूसरा विषय, दूसरे अध्याय में दूसरा विषय, सुसंबद्धता अगर नहीं है ना, तो कविता में अर्थ व्यक्ति गुण नहीं मानेंगे, इससे भटकाव होता है। और ये भटकाव अगर ना हो, जैसे सूर सागर का नाम आपने सुना, सूर सागर का जो भ्रमर गीत काव्य है, वहां कोई भटकाव है, बिल्कुल साफ है, ब्रज की गोपियां और उद्धव में एक ही विमर्श चल रहा है कि भैया तुम सही कि हम सही। अब चाहे सूरदास लिखे और चाहे जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखे, यहां पर अर्थ व्यक्ति भाव, अर्थ व्यक्ति गुण माना जाएगा, भटकाव की गुंजाइश नहीं है, पाठक दाएं बाएं नहीं भटक पाएगा, अर्थ स्पष्ट है, उसकी प्रतीति स्पष्ट है। उदाहरण सुन लीजिए, उदाहरण बिल्कुल, मैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का केश, सुर तो आप सुनते रहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल का कवि है, क्या कहता है, भेजे मनोभावन के उद्धव के आमनी की, सुधी ब्रज गामनी में पावनी जब लगी, अब कहे रतना कर गुवालिनी की झौरी झौरी, दौर दौर नंद पौरी आमनी जब लगी, उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छब लगी, हमको लिखो है कहा, गोपिया कहती है भैया हमारी चिट्ठी दो, हमको क्या लिखा है, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। अब इसको पढ़कर भाव कितना कंचन की तरह साफ है, कांच की तरह पारदर्शी भाव है। ऐसे ही एक आठवां गुण है उदारता, उदारता, उदारता कहा, उदारता वहां होती है जिसके रहने से पद नाचते लगे, पदों में नृत्य होता दिखे। मतलब उदारता को आप ऐसे समझिए कि जब पद आप पढ़े और अगर पदों में नृत्य की तरह लय है, विकटता है, पदों की विकटता ही उदारता है, व्यापकत्व उत्कर्ष प्रभावात्मकता और असंकीर्णता से यह उदारता आती है। वामन ने जानते हैं क्या लिखा, विकटत्व उदारता, उदारता क्या है, जहां विकटत्व का गुण हो। ये वामन की काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के अध्याय तीसरे का कथन है, विकटत्व उदारता। जैसे मैं उदाहरण बताऊं तो आप समझ जाएंगे, उदारता कहां होगा, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। अब लीजिए यह है विकटत्व गुण, पद नाच रहा है, आप चाहें तो कविता के साथ नृत्य कर लें, ऐसी कविता जब होगी। ऐसे ही कांति नौवां गुण है, दस गुणों की जो चर्चा आपसे करनी थी, इसमें नौवां गुण है कांत, नौवीं सीढ़ी है ये। कांति क्या है, नवीनता, कांति माने सौंदर्य, सौंदर्य कैसा होता है, नवीनता ही सौंदर्य है। काव्य के आभा नवीनता नहीं रहती, कांति नहीं रहती कविता में, तो कविता घिसी पिटी लगती है। आभा कमनीयता औज्वल्यम कांति ही, श्रुति मधुर चित्ताकर्षक वर्णन ही कांति है, कमनीयता ही कांति है। जैसे प्रसाद के बिजली की फूल की कल्पना, प्रसाद क्या कहता है,
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखुलाय अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग ये है कांति। ऐसे ही समय चूंकि अपना हो रहा है हमें 3-4 मिनट में अपनी बात पूरी भी करनी है। ऐसा 10वां गुण है समाधि। समाधि भारतीय शास्त्र का प्रचलित शब्द है, इसे चुराया है हमारे दर्शन शास्त्र से हमारे काव्य मनीषियों ने। क्या है समाधि? समाधि कहते हैं आरोहा वरोह क्रमः समाधि। वामन ने कहा काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, क्या है? एक वस्तु के धर्म का दूसरे पर आरोप करना, कविता में आरोह और अवरोह का होना, यह है समाधि। समाधि गुण है। निराला की कविताओं में आपको यह गुण मिलेगा। निराला की विधवा कविता आपने सुनी होगी, मैं पढ़ता हूं समाधि की अचूक उदाहरण की कविता है ये। कहीं आपसे कोई पूछे समाधि, जब आप एमए करेंगे उच्च कक्षा में जाएंगे, कोई पूछे समाधि क्या है, निराला की कविता सुना दीजिए, उसे समझ जाएगा। क्या है निराला की कविता? विधवा कविता। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप सिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। एक वैधव्य पर यह कविता है, यहां समाधि गुण है। ऐसे 10 गुणों को हमारे यहां शास्त्रकारों ने माना, लेकिन आप आश्चर्य देखिए कि अलंकार संप्रदाय बना है। मैंने शुरू में बताया था कि अलंकार और गुण में समानता, अलंकार संप्रदाय बन गया लेकिन काव्य गुण कविता में संप्रदाय तक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि अलंकारों में अनुस्यूत हो जाता, लेकिन आज की कविता में जिसे हम आधुनिक कविता कहते हैं वो भी काव्य गुणों को मान कर चलती है। आज के गुण कौन से हैं? अब ये गुण प्रासंगिक नहीं रह गए, आज का कवि इन गुणों की चर्चा नहीं करता। आज का कवि ओज प्रसाद प्रासाद और माधुर्य में नहीं, उसने नए गुण रचे हैं। ऐसे नए गुणों पर भी थोड़ी सी बात सुन लें। ये आज की कविता के जो गुण हैं कौन से हैं? उत्कर्ष आज की कविता का गुण है, काव्य गुण है। आह्लादकता आज की कविता का गुण है, दीप्ति आज की कविता का गुण है, सहजता आज की कविता का गुण है, मसुरता एक रूपता कोमलता समग्रता अर्थाभिव्यक्ति व्यापकता और प्रभाव उत्पादकता आभा कमनीयता और वस्तु धर्मों का अन्य पर आरोप करना। ऐसे आधुनिक गुणों के साथ आधुनिक कविता रची जा रही है। और इसे समझने के लिए आज का जो नया काव्य शास्त्र है, मैं उसे समझने के लिए मात्र महान कवि केदारनाथ सिंह की एक 2 लाइन की कविता जरूर आपके सामने रख दूंगा। मैं बताऊंगा कम और आप अधिक समझेंगे। जानते हैं क्या कहता है केदारनाथ सिंह? कहता है कि ये जो आधुनिक गुणवाद क्या है, सुन लीजिए 2 लाइनें हैं। मुंह में बचे हुए, ध्यान से सुनिएगा, मुंह में बचे हुए पहली लाइन, चावल के स्वाद को दूसरी लाइन, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों से, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है, बचाने का नाम कविता है। यह है आधुनिक काव्य गुण की अवधारणा। ऐसे इन 10 गुणों पर आपके साथ चर्चा करनी है, करनी थी, और ये चर्चा को हम लोग यहीं रोकते हैं क्योंकि हम लोगों का समय हुआ है। मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अपने, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे, अपने सम्मान्य श्रीमान अभिषेक जी का, जो कि उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का इस प्रकार के दूरस्थ शिक्षा और ऐसा डिस्टेंस मोड की एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का काम देख रहे हैं, ऐसे अपने अनुजवत सम्मान्य अभिषेक जी, और टेक्निकल रूप से तकनीकी कामों में उनका सहयोग करने वाली स्वागतिका बेहरा जी, उनको दोनों को, वहां के हिंदी विभाग का, वहां के प्रशासन का बहुत बहुत साधुवाद,
बहुत बहुत कृतज्ञता कि आप जैसे सुदूर, मेरे लिए तो कल्पना है उड़ीसा के विद्यार्थियों से संवाद करना, आशा करता हूं कि इस शास्त्र को हमारे उड़ीसा के विद्यार्थी भी हृदयंगम कर पाए होंगे, हृदय में धारण कर पाए होंगे और इस धारणा से उनका जीवन और उद्दीप्त प्रदीप्त होगा, उनके अंदर भी काव्य गुणों के समान ही उदात्तता और उद्दीप्तता आएगी। इस शुभकामना, इस मंगल कामना के साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, सुन रहा हूँ सर। भैया जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। निश्चित ही आपको हमेशा सुनना बहुत आनंददायक रहता है सर, हमेशा आपको, मैंने पहली बार जब आपको सुना तब से लेकर के आज तक, जब भी आपकी कोई व्याख्यान होगी हमारे विश्वविद्यालय की तरह भी, जब भी आपकी कोई व्याख्यान होती है मैं निश्चित तौर पर जुड़ता हूँ, उसे सुनता हूँ। आपको सुनना बहुत ही आनंद और लाभदायक होता है सर। इसी तरह सर आपसे अनुरोध रहेगा कि आगे भी जब भी आपको समय हो एक हमारी हमारे समय दे, हम एक दो कक्षा लें विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत आनंद आ रहा है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि उड़ीसा के लोग इतने भद्र और भले लोगों का दर्शन हो रहा है, उनका सामीप्य मिलेगा तो हो सकता है कविता का कोई गुण मेरे मन में भी आ जाए और हम भी काव्य गुण से युक्त हो जाए। बिल्कुल 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 सर। सर एक प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ, एक विद्यार्थी ने सर पूछा है, वो पूछती है कि रस निष्पत्ति की अवधारणा के बारे में थोड़ा बता दे, मतलब किस प्रकार रस की जो निष्पत्ति। ये तो बिल्कुल अलग, कैसे भी मैं रस निष्पत्ति का अगर अगर आप जी जी नहीं वो जानना चाहती है बच्चे। बिल्कुल अलग है इंट्रो की अवधारणा, बिल्कुल रस निष्पत्ति एक बिल्कुल अलग चीज है। मैं काव्य प्रकाश से अगर समझा दूं पता नहीं समझ पाएंगे, प्रीति शर्मा जी ने पूछा है शायद, देख रहा हूं मैं नाम। जी जी सर। मैं काव्य प्रकाश की एक पंक्ति उन्हें बताता हूं तो उनको समझ में आ जाएगा। आपने एक भरत की पंक्ति पढ़ी होगी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन इसको ज्यादा अच्छी व्याख्या किया है काव्य प्रकाशकार ने, कहा है कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेह स्थायिनो लोके तानि चेन नाटकाव्य। ये जो नाटकों में ही ये रस निष्पत्ति होती है, और रस में होता क्या है, हम आधुनिक विचारक होने के नाते हम साधारणीकरण को रसभाव को मान, साधारणीकरण को ही रसभाव मान। रसत्व की सबसे बड़ी विशेषता साधारणीकरण है। हमारे मन में, नाटक में, नटी में, काम करने वालों में जो चिंतन मनन और सोच है वैसी सोच हमारे मन में आ जाए, यही यही रस भाव है, यही रस दशा है। कविता कवि का आनंद भाव हमारा आनंद भाव बन जाए, कविता का आनंद भाव हमारा आनंद भाव बन जाए, लेखक का आनंद भाव हमारा आनंद बन जाए, यानी पाठक और लेखक में अभेद हो जाए, यही रसत्व है। हाँ भैया जी सर जी सर जी सर सर एक प्रश्न रश्मि सतपति जी ने लिखा है कि वो प्रसाद गुण के बारे में और एक बार मतलब हल्का संग है बता दे, थोड़ी सुन के दुविधा रहेगी। अच्छा, देखिए प्रसाद गुण कहते हैं कि जहां कोई लाग लपेट ना हो, बिल्कुल जो हम कहें वही समझ में आए। आधुनिक कविता का संकट क्या है, हम कहते कुछ हैं और समझ में कुछ आता है, ऐसा ना हो जो हम कहें वही समझ में आए, सरल शब्दों में बात हो, ऐसा गुण जहां होगा वहां प्रसाद गुण होगा। प्रसाद गुण में मैंने बताया था अभी बताते हुए कि प्रसाद गुण में क्या होता है कि जैसे प्रसाद गुण वैसा ही है शब्दों में, ये वैसा ही छिपा रहता है जैसे लकड़ी में अग्नि, जैसे कपड़ा गीले में, गीले कपड़े में जैसे जल छिपा रहता है, ऐसे ही चित्त की, हृदय की सहसा व्याप्ति, हमारा हृदय इस तरह से विस्तार हो जाए कि जल और कपड़े में अभेद हो गया, ये जो माने कवि की भाव में और हमारा अभेद हो जाए, ये जो स्थिति है यही स्थिति प्रसाद गुण है। विश्वनाथ ने बहुत अच्छा कहा है, अगर वो मैं, और ये तो लंबा विषय है, पर आचार्य विश्वनाथ का मैं निर्णय सुना देता हूं, या अच्छा विश्वनाथ छोड़िए, उन्हें हिंदी में भिखारी दास बताता हूं। भिखारी दास ने कहा है कि मन रोचक अक्षर परे, क्या है प्रसाद, मन रोचक अक्षर परे सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यो प्रकटे अर्थ गंभीर। अर्थ तो गंभीर हो लेकिन शब्दों में क्या हो, कठिनाई ना हो, भाव में कठिनाई ना हो, सीधे समझ में आ। प्रसाद माने सरल सपाट बयानी, सीधे सीधे बात कहना लेकिन बात गंभीर, घाव देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा भाव। हाँ भैया
जी सर। सर एक अंतिम प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूँ, विद्यार्थी ने रखा है, हाँ समन हाँ पटनायक जी ने। वो पूछते अच्छा हैं कि अच्छा हिंदी काव्य शास्त्र के संदर्भ में हम किस आचार्य के विचार को काव्य गुण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं? अब देखिए, हम ये तो थोड़ा सा कठिन निर्णय है, लेकिन हम मम्मट को लेकर चलते हैं, आचार्य मम्मट को। जो मम्मट है ना, मम्मट ने गुणत्रयवाद, मैंने बताया भी है लेक्चर में, गुणत्रयवाद शुरू किया था। गुणत्रयवाद माने तीन गुण प्रधान हैं। कौन से गुण हैं? ओज, प्रसाद और माधुर्य। ये जो तीन गुणों की बात मम्मट ने चूंकि की थी, इसलिए मम्मट को और इसी बात को भामह ने हूबहू मान लिया। तो मम्मट और भामह, इन दोनों ने जो तीन गुण को सूत्र बताया, आज की हिंदी कविता भी इन्हीं तीन गुणों के इर्द गिर्द है। मैं मम्मट का मंत्र पढ़ लेता हूं तो उनको कोट करने में सुविधा होगी। माधुर्योजः माधुर्य ओजः प्रसादाख्यास तत्रस्ते न पुनर्दशः। 10 नहीं है, एकादश नहीं है, तीन है। हाँ भैया, जी सर, जी सर। सर इसके इतर सर और कोई प्रश्न नहीं है, तो सर हम इस कक्षा को सर अंत कर सकते हैं। पुनः एक बार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। चलिए और जी इसी जी अरे आप तरह स्मरण कर रहे हैं, आपको आप उड़ीसा के लोगों से मिला दे रहे हैं, साधारण बात है ये नहीं या? सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो सर आपके, मैं क्या कहूँगी, आपकी संप्रेषण कौशल है कि विद्यार्थी आपको सुनना चाहते हैं। विद्यार्थी मुझसे कहते भी हैं कि सर की कक्षा दोबारा कब होगी, दोबारा सर क्लास लेंगे। तो सर ये आपके संप्रेषण कौशल का देन है कि यहाँ के विद्यार्थी आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते एक हैं उन्हें। छात्रा पूछ रही है कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा गया है। जी। मैं, हाँ, सागरिका स्वाई जी ने, जी सर, नीचे एक प्रश्न लिखा है। अच्छा, मैं इनको बता देता हूं, तब विषय रखिए, उनकी भी जिज्ञासा रह जाए। है जी। क्या कि वेद कैसे होते हैं? आप तो वचनों को हम वेद कहते हैं। हमारे यहाँ चार वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, चार वेद अपने। पांचवा वेद की जो कल्पना आई वो ये कि ये चारों वेद चित्त को परिष्कार देते थे। ये चारों वेद हमारी आत्मा को निर्मल बनाने का काम करते थे। और कैसे? श्रवण, मनन और निदिध्यासन। अब श्रवण से, मनन से और निदिध्यासन से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को हम जानते समझते थे। अब भरत को ये लगा, जब भरत मुनि समाज में घूमे तो उनको ये लगा कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन थोड़ा कठिन है, अरस्तु का अनुकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हम नकल करके देख कर सीखते हैं वो बहुत महत्व का हो जाता है। इसीलिए उन्हें आवश्यकता लगी कि श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से ज्यादा सरल तरीके से वही कथा, वही भाव, वही मन की उदात्तता, वही चित्त की विशदता अगर दर्शन से आ जाए, अभिनय से देख कर आ जाए तो वेदत्व की प्राप्त होगी। ऐसे भाव से पांचवा वेद रचा, इसीलिए पंचम वेद है। ठीक जी है सर, भैया? निश्चित तौर पर। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। और दोबारा सर आगामी सप्ताह में पुनः एक हम लोग कक्षा रखेंगे, और उस पे सर हम लोग रस सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत, इन दो विषयों पर सर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को ठीक काव्य बात। शास्त्र के संदर्भ में थोड़ी सी और गहरी जानकारी मिल जाए। जी जी छात्रा का रस को लेकर जिज्ञासा थी तो हम लोग जी रस पर चर्चा कर लेंगे। हाँ हाँ सर, रस सिद्धांत पर चर्चा बेहतर भी रहेगा, पूरा उन्हें रस में थोड़ी सी उन्हें जिज्ञासा भी रहेगी और सीखने में ठीक आनंद ठीक भी ठीक आएगा। जी सर, जी सर, पुनः मुझे आप एक आभार बार, सर। जी सर, मुझे मैसेज फोन जरूर करिएगा, क्योंकि मैसेज कई बार देखने से छूट जाता है। जी सर, मैंने ठीक मेल को ठीक दोबारा आज वापस आपके को फॉरवर्ड किया, देखिएगा। हाँ मैंने लेकिन मैं देख आपको, देख जी सर, मैंने व्हाट्सएप पे नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है भैया। जी सर, थैंक जी यू, सर, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद। सर आपका। भी सर, आप चाहे तो अपने ओर से कॉल को काट सकते हैं। जी प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आप लोगों ने इस सब्र के साथ इस कक्षा को सुना, सर को सुना और अपना समय दिया, इसलिए आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कल हमारी पुनः एक बार सुबह फर्स्ट हाफ में 11 से 12:30 में कक्षा है, गबन उपन्यास के संदर्भ में, जो कक्षा मैं ही लेने वाला हूँ। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि कक्षा में आए, सुने, विषय के संबंध में जो भी जिज्ञासा रहे वो मेरे समक्ष रखें, अपने प्रश्न को समय मेरे समक्ष रखें। और ये जो दौर है कोरोना महामारी का, तो इससे थोड़ा बचे रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, घर पर रहें, खूब पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज की हमारी टेक्निकल सपोर्ट स्वागतिका बेहरा मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार मैम।
थैंक यू सर। थैंक यू मैम।